चलें जी, हम अपने भाई गॉड रियलिटी से बात करते हैं। गॉड रियलिटी क्या हाल है? और लिंक आपको दोबारा दे रहे हैं भाई, क्या हाल है गॉड रियलिटी, कैसे हो आप? जी गुड इवनिंग गाली भाई, कैसे हैं? गाली भाई आप कैसे हैं? जबरदस्त, ठीक ठाक, आप जबरदस्त सुनाइए। गॉड रियलिटी। जी अच्छा सर, एक पिछले कई मतलब जब से मैंने आप लोगों को सुनना शुरू किया है, तो एक वाकये पे बड़ा ट्रोल किया जाता है, बड़े वाकये पे मजाक किया जाता है, उसको बड़ा मजाकिया अंदाज में पेश किया जाता है, रसूल अल्लाह के चांद के दो टुकड़े करने पे। और जब ये वाकया सुना था तो मैंने भी इसको बड़ा मजाक किया, मतलब उस वक्त तो खैर मैं क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन बिलीवर था, तो मैंने भी इस पे बड़ा मजाक उड़ाया था। तो हमारे एक साहब हैं आजकल, पहले वो मुल्हिद थे, अब वो एनालिस्ट हो चुके हैं, रिव्यू देते हैं। अब पता नहीं उनका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है, ये मुझे नहीं पता, समझ आई कुछ, तो वो बड़े रिव्यू देते हैं। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो वैसे आपके फैन है बहुत बड़े, आपकी अच्छा, वीडियोस पूरी पूरी देखते हैं और उनपे वो रिव्यू देते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो साहब जो है ना, इस वीडियो पे भी, इस क्लिप पे भी जरा रिव्यू दें और अपनी जो अच्छी आरा है, अपना जो एनालिस्ट है, वो बताएं कि जी आप इस पे क्या कहते हैं। तो वैसे तो आपने बड़ा इसको वो बैशिंग किया, बड़ा मजाक उड़ाया, जी चांद के दो टुकड़े हो गए, चांद के दो टुकड़े हो गए। गालिब भाई आप रेफरेंस निकाल सकते हैं यशवा की किताब में से? निकालते हैं, बताएं क्या रेफरेंस, उर्दू में निकाला जाए, इंग्लिश में निकाला जाए? अच्छा, उर्दू में निकाल उर्दू के लिए फिर मुझे करनी ले पड़ेगी, जरा मैं देखता हूँ एक। या इंग्लिश हाँ, निकाल ले, मुझे तो कोई मसला नहीं। उर्दू ज्यादा ठीक रहेगी, जरा लोगों को भी समझ आएगा। मुझे आप जी बात करें, मुझे 2 मिनट दें, मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, जी यशवा 10वां बाप है और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। मैं निकाल रहा हूँ, बस एक अभी और निकाल मजे की दिया। बात है कि जब मैंने ये वाकया सुना था ना, जब मैं क्रिश्चियन बिलीवर था, मैं भी ये इसको डिफेंड करने पे तुला हुआ था, नहीं यार ये सही है वो गलत है। फिर मुझे सोचता था यार ये कैसे सही हो सकता है और वो कैसे गलत हो सकता है, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चनिंग तो आती है हर रैशनैलिटी। उस दिन भी मैं आपसे यही सवाल कर रहा था, रैशनल थिंकिंग जो है ये इनबिल्ड होती है या नहीं होती? तो ये आपके कहीं ना कहीं जो रैशनैलिटी है वो आपको झंझोड़ती तो, यशवा का दसवां कौन सा चैप्टर है? ठीक है, मैं 8वें पे तो पहुंच गया हूँ यार, ये क्या कर रहा है मेरे साथ? कौन, तुमको चैन क्यों नहीं आ रहा? ओहो, वो बाज आ जा, आ गया, शैतान तो नहीं आ गया? क्रोम में शैतान आ गया कि यसू कहीं हमारे। दसवां बाप कितनी आए थी? 11वीं और 12वीं आए थे। तो हाँ जी, ये आ गया भाई, ये आ बेशक गया। आप इस पे रिव्यू ना दें, सिर्फ आप पढ़ के सुना दे। रिव्यू जो है वो हमारे साहब जो है ना, वो एनालिस्ट स्पेशलिस्ट है, तो वो बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं चीजों को, तो वो इस पे रिव्यू देंगे कि वो इस पे क्या कहते हैं। अच्छा, यशवा जल जलाल से तमाम रात कूच करता हुआ, अचानक यश यशवा जल जलाल से दसवां तमाम बाप, रात कूच करता हुआ, दसवां बाप 11वीं और 12वीं आयत, दसवां सूरज का दसवीं ठहर जाना। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी आयत थोड़ी सी गलत बता रहे हैं, शायद 11वीं और 12वीं आयत। ये 11वीं है। जब वो बैत होरोन के अवतार से गरीका तक इसराइलियों के सामने से भाग रहे थे, तो खुदावन ने आसमान से उनके ऊपर बड़े बड़े ओले बरसाए, और उनमें ओलों से मरने वालों की तादाद इसराइलियों की तलवारों का लुकमा बनने वालों से कहीं ज्यादा थी। जिस दिन खुदावन ने अमूरियों को इसराइलियों के काबू में किया, उस दिन यशवा ने खुदावन के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबून पर, ऐ चांद तू वादिया यालून में रुक जा। और सूरज साकिन रहा और चांद ठहरा रहा, जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से इंतकाम न ले लिया, जैसा कि आशर की किताब में लिखा है, ठीक है? अब एक और मजे की बात यह है कि ये जो है ना, ये वाला पैसेज, चलें इस पे बात करते हैं। सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारा दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन वाह, ना इससे पहले कभी हुआ और ना इसके बाद होगा, जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो। यकीनन खुदावंद इसराइल की खातिर लड़ रहा था। तब यशवा सब इसराइलियों समेत जाल की लश्करगाह में लौट आया। तो यशवा के सामने सूरज रुका रहा भाई, सूरज रुक गया। अब मजे की बात यह है कि एक ये आशर की किताब की दे रहा है,
हवाला तो आशर की किताब, आशर की किताब है न्यू टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट में है कोई किताब या किसी और किताब का दे रहा है? आशर है कौन है? आशर तो याकूब का बेटा है एक आशर, और उसकी कौन सी किताब है ये किसी को पता नहीं। हाँ तो ये तो कोई पता नहीं है कि कौन सी किताब में लिखा हुआ है। तो इस इन्होंने ये चीज जो है आप देखें, ये मान रहे हैं कि सूरज ठहर गया, और अब आप किसी क्रिश्चियन से पूछेंगे ये झूठ है या सच है? यहूदी तो खैर बात ही छोड़ देना, यहूदी तो कहीं और ही निकल जाते हैं ना, ठीक है। आप क्रिश्चियन से पूछेंगे ये बात झूठ है कि सच है, ठीक है, क्योंकि कहने को तो हजरत मोहम्मद जो है वो सात आसमानों पर नहीं जा सकते, ठीक है, और बहुत सी बातें नहीं हो सकती, तो ये क्या हो सकती है? ये भी तो बात है ना सोचने वाली, ठीक है सर। हमारे जो अपोलोजेटिक्स हैं, क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स जो हैं, वो इसको साइंटिफिकली प्रूव कर चुके हैं कि ये बात प्रूवन है कि ये जी वो जो दिन है वो एक दिन और एक रात का फर्क आ रहा है जब से आसमान और जमीन बने, साइंटिफिकली ये प्रूवन है। ये तो बात है ना, ये तो साइंटिफिकली फ्रॉड प्रूवन है मेरे ख्याल में। यानी कहने का मकसद है कि जब वही वो गाना मुझे याद आ रहा है सलमान खान का, मैं करूँ तो साला करेक्टर ही ढीला है। मैं दूसरों की बातों को बैशिंग करूंगा, उनपे मजाक करूंगा, उनको ट्रोल करूंगा, जुगन बना लूंगा, उनपे मजाक करूंगा, हा 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 कर लूंगा, लेकिन जब मैं किसी अपनी किताब की बात आएगी तो मैं उसको साइंटिफिकली प्रूव करने के उस पे आ जाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, अपना सर मार के दीवारों पे मारना शुरू कर दूंगा, नहीं जी ये तो साइंटिफिकली प्रूवन। अब ये वो कौन सी साइंटिफिक लैब है भाईजान, जहाँ पे आपने अपनी ही कोठरी में पता नहीं बंद दरवाजे में बंद के कोई लैब बनाई है जहाँ पे ये साइंटिफिक भी आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, खुद ही इसको प्रूव इन करते रहते हैं। तो बस मुझे यही आपको शेयर करना था। असल में मुझे ये रेफरेंस याद नहीं आ रहा था, काफी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, तो एक पास्ट साहब को मैंने फोन करके पूछा कि पास्ट साहब मुझे बताए ये रेफरेंस का है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये रेफरेंस चाहिए। आपने पादरी से दिमाग लगा दिया है, सही बात है। उसको क्या पता कि रेफरेंस निकला है उनके लिए जिन्होंने उल्टा इस रेफरेंस को का के बखिये दे दिए हैं। ओए होए तो बात है, आपने पाप कर दिया पादरी साहब ने, ठीक है, रूल को बताया भी नहीं है। ओ हो, ये तो गालिब कमाल शैतान की स्ट्रीम में चलनी है। और मजे की बात है कि खुदा के रूह ने उनको नहीं बताया कि ये भी शैतान है जो तुझे फोन कर रहा है। हाँ यही तो बात है ना, खुदा के रूह ने बताया ही नहीं है पादरी साहब के ऊपर, पता नहीं क्या हुआ है। पादरी साहब ने मुझे कहा आप फिक्र ही नहीं करें, मैं अभी बताता हूँ। मैंने कहा सर आप परेशान तो, आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो? नहीं 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 नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मैं अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ये आपको रेफरेंस बताता हूँ। मैंने कहा बस मुझे बता दें आप, मैं बहुत फंसा हुआ इस वक्त, किसने पूछा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। चलें गॉड रियलिटी, वो आपकी बात यार, आई एम सॉरी, मैं समझ रहा था कि यसु ने आपका कनेक्शन काट दिया, तो मुझे पता चला बाद में कि वो यसु मैं ही निकला हूं, ठीक है, वो मेरी स्क्रीन वो यसु जो है, वो यसु जो है वो पाकिस्तान में असल में इतना एक्टिव उतनी एक्टिविटी नहीं है जितनी फॉरेन में है, तो आपके करीब ज्यादा है ना, वो वेस्ट में ज्यादा है ना यसु। अच्छा खैर, ये जो भाई चीज़ बेरी केक इनका नाम था आई थिंक। अच्छा ये जो बात कर रहे थे आपकी कि आपने फील नहीं होने दिया कि आप श्रीलंका में थे, और टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं अपने आप को बड़ा इस मामले में समझता हूँ, मतलब समझता था कि जी मैं ना बड़ा कोई वो नहीं फन्ने कहा नहीं, मतलब मैं जी अपने स्टैंड पे खड़ा रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। नहीं आप सीधे कहेंगे मैं बड़ा टीट हाँ, तो फिर मुझे अपने से ज्यादा टीट एक बंदा मिल गया है। सो मुझे इस बात से बड़ी हैरानगी हुई कि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर इस तरह की कोई सस्पेशन मेरे साथ होती तो शायद मैं भी मोल्ड हो चुका होता, मैं भी यू टर्न ले चुका होता कि यार भाड़ में जाए, सारी रैशनैलिटी भाड़ में जाए, अपने आप को अपनी सेफ्टी फर्स्ट, अपनी सेफ्टी पहले देखो, अपने आप को पहले देखो, अपनी फैमिली पहले देखो, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। तो इस बात के लिए तो आई मतलब सल्यूट यू
कि आपने उस वक्त भी अपने आप को उस माहौल में अपने आप को नहीं होने दिया, और फिर जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी सेट हो गया, आपके पास मौका भी था और आवाज भी थी कि आप एक पाकिस्तानी थे और फिर मिनोरिटी में थे, क्रिश्चियन थे, तो आप अगर पाकिस्तानी मिनोरिटी का अगर वो ये रोना रोते कि जी मैं मिनोरिटी था, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, वो जुल्म हुआ, ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ऐसे था, मेरे साथ वैसे था, तो मैं कहता हूँ आपके व्यूवर्स जो है वो आज 1 मिलियन नहीं, मतलब कई मिलियन में होते शायद, और आपको बहुत सारे लोग मतलब देख रहे होते, तो सुपर चैट और ये पेट्रियन और पेपैल बहुत ज्यादा आपके आ रहे होते, लेकिन आपने वो भी यूज नहीं किया, मतलब वो जो कहते हैं, क्या कहते हैं, विक्टम कार्ड खेलना, तो विक्टम कार्ड भी आप खेल सकते थे और बहुत इजी था आपके लिए ये विक्टम कार्ड खेलना, लेकिन इसके लिए भी आपको सल्यूट कि आपने वो भी विक्टम कार्ड नहीं खेला। और हालांकि होता यही है कि जिसके पास आवाज आ जाती है तो वो फिर अपना विक्टम कार्ड खेलना शुरू कर देता है, अपने आप को विक्टम पेश करना शुरू कर देता है, जी मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, लेकिन इसके लिए आपको सर आई हैट्स ऑफ यू। जी अच्छा बिल्कुल मैं बात बिल्कुल, कर रहा था, ये बात कहने वाली गॉड रियलिटी कि गालिब ने कभी जो क्रिश्चियनिटी के साथ पाकिस्तान में जो होता है क्रिश्चियंस के साथ, गालिब ने कभी भी आज तक मुझे नहीं कभी फील हुआ कि कभी इस चीज को वो हाईलाइट किया, लेकिन उस लिहाज से कि जो होता है कभी, यानी अपने ऊपर अपने हिसाब से बात की, जबकि मैं सोच रहा था कि गालिब की लाइफ कितनी ज्यादा इस लिहाज से, लाइक जगह जगह पे गालिब के साथ, लाइक क्योंकि गालिब एक प्रॉपर स्कूल में पढ़े, क्रिश्चियन स्कूल में नहीं थे, लाइक जो इनको डिस्क्रिमिनेशन फील हुई, स्पेशली वर्क प्लेस में भी हो सकती हुई होगी बहुत ज्यादा, तो गालिब ने कभी हाईलाइट नहीं किया, तो दैट इज वेरी कमेंडेबल बाय द वे। गार्ड रियलिटी, आपने अपनी पिछली बार यशवा वाली बात आप खा गए हैं, आप लगता है अंदर से क्रिश्चियन हैं। सर अब बैगेज तो होता ही है ना, बैगेज तो बैगेज ही है, आप क्या चाहते हैं कि मैं यीशु दी तब भी ला दूं। आप भी अंदर से जो है ना क्रिश्चियनिटी को पसंद करते हैं, आप जितना बड़ी जब से ये बाहर गया था, यार ये अपना कार रियलिटी बाहर बैठ के ये दिन रहा है, तो लगता है कि दिन इसके भी एक कम पड़ गया, एक एक कम पड़ रहा है उसने करने भी ये सर रिचर्ड डॉकिंस जैसा बंदा जिसको मैं बड़ा आइडियलाइज कर रहा होता था कि जी रिचर्ड डॉकिंस बहुत बड़ी कोई चीज होगा, तो अभी तो मुझे पता नहीं है कि उसने क्या चवल मारी है क्या नहीं मारी, सैम हैरिस और रिचर्ड ना यूज करें, ठीक है वैसे कह दें तो लेकिन अब मुझे नहीं पता उसने क्या, मतलब मैं उसके फेथ के हवाले से कह रहा हूँ कि मतलब एक रैशनल बंदा भी अपना फेथ वो कह सकता है कि जी मेरा ये बिलीव है, मुझे नहीं पता उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो आप बताएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि मैं तो इनको ना तो सुनता हूँ ना मुझे पता है कि ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। तो खैर वो बात हम कर रहे थे हाजी भाई, आपके चैनल पे भी और बाकी टुन्नी मुन्नी के चैनल पे भी ना बड़ी बैशिंग होती है कि जी चांद के 2 टुकड़े हो गए और एक खोते पे बैठ के बंदा 7वें आसमान पे चला गया। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एक बंदा है, शायद आपने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी, एक बंदा है वो पहले मुल्हिद था और अब वो एनालिस्ट हो चुका है, अब उसका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है ये तो वो बंदा ही बता सकता है, या नहीं उसके छोड़े जो अब व्यूवर्स बात है। को, अब यशवा वाली बात कर दें, बाकी छोड़ें, वही मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, उसी उसी पर बात कर रहा था कि वो मैं चाह रहा हूँ कि ना उस पे वो यशवा की एक किताब है, वो जोशवा एक नबी था जो मूसा के साथ था, मूसा का शागिर्द था, तो उसने जी चांद को भी रोक दिया था और सूरज को भी रोक दिया था, फोन दसो। हाँ ये मुसलमानों में भी एक कहानी कहीं पे पाई जाती है कि क्या नाम है इसका, कि चांद अपनी जगह पे पता नहीं ठहर गया था किसी किसी, मैं मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है क्योंकि खासी देर हो गई है मैं मुसलमानों के वो उसके गो थ्रू नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट ही बदल गया है ये काम करते करते, तो उसमें भी ये कहीं कहीं पे ये कहानी अगर कोई मुसलमान दोस्त को याद हो हाँ, वो तो कि ये है कि सूरज कयामत के दिन उल्टा निकल आएगा, वो बात बिल्कुल वैसी है जैसी जाशुआ की बुक में। नहीं, पता नहीं कोई सोया रह गया था तो हाँ, सूरज नहीं निकला था, बिलाल ने अजान ना दी तो सूरज ना निकला, मगर ये टर्शरी हदीस की किताबें जो है ना उनमें मिलती है कहीं, ये जाके बात ये राए, राए। हदीस होनी है। मुझे याद नहीं रहा पूरी पूरी स्टोरी,
अभी तो दोबारा से मतलब उन्होंने तो मेरे ख्याल पीछे रिवर्स भी कर लिया था कि पहले मतलब आगे निकल गया था वो कहते पीछे रिवर्स हो किसी ने फजर की नमाज पढ़नी है। ओ क्या बात, चलें फिर ग्वाडियन के आगे चलते हैं, फिर आपको आपसे बात करेंगे, फिर अगर आप एंड पे बातचीत जब हुई ना फिर आना एंड पे, ठीक है? चलें सही है, चलो ठीक है, ठीक है, ओके बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।